मैं गुजारिश करूंगा जनाब हुसैन रिजवी साहब से, कहां तशब आइए एक ताजिया की नज़्म बख्तर सिंह पेश करेंगे। ऐ शहीदो तुम वफा के कायनात हो, ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा के कायनात हो। टुकड़े टुकड़े बंधनों ने किया तुम्हें, हम अमल से अब ज़हूर का सबब बने। इंतकामे करबला के वास्ते उन्हें, हर यज़ीद वक्त को यहाँ पे मात हो। ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा के कायनात हो। है तुम्हारे खून से जहां रोशनी, फातिमा के लाल के अज़ा पे जान दी। रो रही है आज तुमको माँ हुसैन की, मजलिसे हुसैन में तुम्हारी बात हो। ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा के कायनात हो। जो सबक शहीदों ने दिया अमल करो, खून दिया तो करबला तुम भी खून दो। या हुसैन या इमाम कह के तुम चलो, कॉल और फेर जब मिले तो बात हो। ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो। ऐ कमर दुआ वफा का ये पयाम हो, सिलसिला जहाद का जहां में आम हो। इमाम असर के सिपाहियों में नाम हो, खुदा अम्र और अमां के कायनात हो। ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो। जो गुजारिश करूंगा जनाब जावेद रिजवी साहब से एक मुसद्दस मुसद्दस है जो पेश फरमाएंगे और वही शहदा से मुतल्लिक है। सलावत में बारी से मोहम्मद ठीक है नारे सलावत चूंकि आज पूरी दुनिया में शहीद सैयद नसरुल्लाह के चहलम की मजलिसें हो रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, इसी सिलसिले में शहीद के ऊपर एक मुसद्दस मुख्तसर है सनात फरवरी से कि नखवत खंजर व शमशीर मिटाता है शहीद, नखवत खंजर व शमशीर मिटाता है शहीद। सब्र की शान जमाने को दिखाता है शहीद, तख्त और ताज को ठोकर में उड़ाता है शहीद। अपने जख्मों की कबा ओढ़ के आता है शहीद, जख्म खाता है कि मेयार नजर ऊंचा है, सर कटाता है कि इस्लाम का सर ऊंचा हो। जख्म खाता है कि मेयार नजर ऊंचा हो, सर कटाता है कि इस्लाम का सर ऊंचा हो।
फातह इमारत ए हक सदाकत शहीद शहीद से वक्त फरमाइए कि फातह इमारत ए हक शहादत सदाकत शहीद जिसको दुनिया न मिटा पाए वो ताकत है शहीद दामन सीरत व किरदार की दौलत है शहीद कौम के वास्ते अल्लाह की रहमत है शहीद कौम के वास्ते अल्लाह की रहमत है शहीद मौत खुशनूदी है मौला की खबर लाती है हाथ जोड़े हुए खिदमत में अजल लाती है मौत खुशनूदी है मौला की खबर लाती है हाथ जोड़े हुए खिदमत में अजल आती है नारे सलवात शान इस्लाम के है जख्म दिल से जिंदा ताजगी चेहरे की जैसे हो वुजू से जिंदा जन मीना से है बाकी न सबू से जिंदा कौन होती है शहीदों के लहू से जिंदा कौन होती है शहीदों के लहू से जिंदा कोई मिल्लत और हवाओं में बिखर जाती है वो शहीदों से जो महरूम तो मर जाती है कोई मिल्लत हो हवाओं में बिखर जाती है वो शहीदों से महरूम तो मर जाती है खौफ उसको है न तीरों का न तलवारों का हौसला बढ़ता है जब दीन के गद्दारों का तोड़ देता है भरम उठ के जफाकारों का रुख पलट देता है पस बातिल के परस्तारों का जिंदगी जुर्रत और हिम्मत का अलम चूमती है मौत खुद आके शहीदों के कदम चूमती है जिंदगी जुर्रत और हिम्मत का अलम चूमती है मौत खुद आके शहीदों के कदम चूमती है नारे सलवात मर के भी कम नहीं होती है जलालत उसकी मौत उसकी है हयात उसकी है इज्जत उसकी फजल हक उसका है अल्लाह की रहमत उसकी ये जमीन क्या है फलक पर है हुकूमत उसकी लेता है दाद वफा खून की सौगातों से कब्जा कर लेता है दुनिया पे कटे हाथों से लेता है दाद वफा खून की सौगातों से कब्जा कर लेता है दुनिया पे कटे हाथों से बेवफा लज्जत एहसास वफा क्या जाने कैसे की जाती है जख्मों की वगा क्या जाने खून की धारों से लड़ने की अदा क्या जाने भागने वाले शहादत का मजा क्या जाने भागने वाले शहादत का मजा क्या जाने अहले दिल मौत के शोलों से गुजर जाते हैं जो है बुजदिल वो कफन देख के डर जाते हैं अहले दिल मौत के शोलों से गुजर जाते हैं जो है बुजदिल वो कफन देख के डर जाते हैं बारह सलवात हमने मक्तल में शहीदों का असर देखा है हौसला बच्चों का बादी दे तर देखा है नन्हे सीनों में पहाड़ों का जिगर देखा है नन्हे सीनों में पहाड़ों का जिगर देखा है कट के कुरान जो पढ़ता था वो सर देखा है सांस रुकती थी तो हर जख्म गुलू बोलता था बंद हो जाते थे जब होठ लहू बोलता था सांस रुकती थी तो हर जख्म गुलू बोलता था बंद हो जाते थे जब होठ लहू बोलता था फरमा रहे थे अब मैं गुजारिश करूंगा मुझे इस्लाम मौलाना जौहर अब्बास साहब से वो एक मुसद्दस पेश करेंगे अस्सलाम वालेकुम हजरत बकनी लिहाजा मुसद्दस के चंद मंद अर्ज करता हूँ कि सब्र का महवर फिदाकारी का मजदर है शहीद सब्र का महवर फिदाकारी का मजदर है शहीद अर्जिश जानी में लाखों के बराबर है शहीद सब्र का महवर फिदाकारी का मजदर है शहीद अर्जिश जानी में लाखों के बराबर है शहीद अपने पाकीज़ा लहू से यूं मुअत्तर है शहीद जिसका तालिब है खुदा वो जिंदा पैकर है शहीद अपने पाकीज़ा लहू से यूं मुअत्तर है शहीद जिसका तालिब है खुदा वो जिंदा पैकर है शहीद जादे हक पर गुजरने का शहादत नाम है आज भी इज्जत से मरने का शहादत नाम है और मौत कर देती है गुल हस्ती की शमे ताबनाक
दामने हर जी नफस दस्ते फना करता है चाट, वक्त के धारों का हर पैराट होता है हलाक। नारे नमरूदी पे आखिर डाल दी गर्दों ने खाक, एक ही जलवा है जो मरने से कम होता नहीं, राह हक पे मरने वाला कल अदम होता नहीं। और अर्ज किया कि जिन शहीदों को समझता था जमाना मर गए, वो तो खुद जिंदा रहे दुनिया को जिंदा कर गए। दिल गए, बाजू गए, सीने गए और सर गए, रंग ये लेकिन गुले इस तशहुद में भर गए। दिल गए, बाजू गए, सीने गए और सर गए, रंग ये लेकिन गुले इस तशहुद में भर गए। काम जो बातिल का लश्कर ले रहा था तीर से, वो मसाइल हल किए इस कौम ने तकबीर से। और ये बंद मलाइजा फरमाए कि जिसने सीखा करबला वालों से मरने का अदब, उसका सिर्रे आरजू ये मादी समझेंगे कब। सर बुरीदा खाक पर या जेरे खंजर जाबलब, माँ सिवल्ला ये बढ़ाते ही नहीं दस्ते तलब। अब भी देते हैं सदा अपनी सुकूनत गाह से, बंद मलाजा फरमाए के माँ सिवल्ला ये बढ़ाते ही नहीं दस्ते तलब। अब भी देते हैं सदा अपनी सुकूनत गाह से, हम शहीदाने वफा लेते हैं रिस्क अल्लाह से। और टैंक के गोले फजाई हमले हैं बारूद है, बतौर खास मलाजा फरमाए के टैंक के गोले फजाई हमले हैं बारूद है, यूरिशें हर सिम से राह कुमक मसदूद है। फिर भी अब तक ये जमात इसलिए मौजूद है, तकिये अरबाब मक्तल वादे माबूद है। फिर भी अब तक ये जमात इसलिए मौजूद है, तकिये अरबाब मक्तल वादे माबूद है। कोई दुश्मन और से मुलाजा फरमाए ये बंद बतौर खास किसी लायक व गालिबन के तकिये अरबाब मक्तल। फिर भी अब तक ये जमात इसलिए मौजूद है, तकिये अरबाब मक्तल वादे माबूद है। ये कोई दुश्मन किसी तदबीर कर सकता नहीं, जान जा सकती है इनका अज़्म मर सकता नहीं। ये कोई दुश्मन किसी तदबीर कर सकता नहीं, जान जा सकती है इनका अज़्म मर सकता नहीं। और फिर से है ये कौम बद मसरूफ़ तावील किताब, फिर से है ये कौम बद मसरूफ़ तावील किताब, सोचती है जुल्म से दब जाए जोरे इनकलाब। फौज लश्कर मीडिया दादो रसद खुराको आप, ये वसाइल इब्ने मरजाना को भी थे दस्तयाब। फिर से है ये कौम बद मसरूफ तावील किताब, सोचती है जुल्म से दब जाए जोरे इनकलाब। फौज लश्कर मीडिया दादो रसद खुराको आप, ये वसाइल इब्ने मरजाना को भी थे दस्तयाब। हाल आखिर में बना क्या जालिम मकबूल का, नाम किसका रह गया कातिल का या मकतूल का। हाल आखिर क्या बना, हाल आखिर में बना क्या जालिम मकबूल का, नाम किसका रह गया कातिल का या मकतूल का। और आखिर के दो बंद मलाजा फरमाए के ले रहे हैं खौफ से जो नाम नसरुल्लाह का, कब भला बर्दाश्त करते काम नसरुल्लाह का। ले रहे हैं खौफ से जो नाम नसरुल्लाह का, कब भला बर्दाश्त करते काम नसरुल्लाह का। जालिमों सुनना जरा पैगाम नसरुल्लाह का, गर्क कर देगा तुम्हें अंजाम नसरुल्लाह का। जालिमों सुनना जरा पैगाम नसरुल्लाह का, बैत मलाजा फरमाएंगे कि गर्क कर देगा तुम्हें अंजाम नसरुल्लाह का। खौफ खा जाएंगे जुल्मो जबरो इस्तिबदाद से, ये तवक्को वो भी नस्ले सैयद सज्जाद से। खौफ खा जाएंगे जुल्मो जबरो इस्तिबदाद से, ये तवक्को वो भी नस्ले सैयद सज्जाद से। और आखिरी बंद मलाजा फरमाए कि यह भी सुन ले गौर से दुनिया का हर ताकत परस्त, ये भी सुन ले गौर से दुनिया का हर ताकत परस्त, मत उलझना उनसे होकर अपनी नादानी में मस्त। जिस ग्रोह के खूह में पा जाए पैमाने अलस्त, एक गिरता है तो सौ आ जाते हैं परचम बदस्त। ये भी सुन ले गौर से दुनिया का हर ताकत परस्त, मत उलझना उनसे होकर अपनी नादानी में मस्त। जिस ग्रोह के खूह में पाया जाए पैमाने अलस्त, एक गिरता है तो सौ आ जाते हैं परचम बदस्त। इसलिए अब तक ये परचम जमजमा खानी में है, क्योंकि ये परचम किसी मासूम निगरानी में है। इसलिए अब तक ये परचम जमजमा खानी में है, क्योंकि ये परचम किसी मासूम निगरानी में है। बहुत शुक्रिया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।